दोस्तों टेरा क्लासिक यानी कि LUNC और लूना कॉइन जो कि हमारा नया वाला लूना था जो लोगों को एडोप में मिला था, दोनों के अंदर ये जबरदस्त पंप हमें एकदम से देखने को मिलता है। ये पंप क्यों यहाँ पे आ रहा है, क्या ये पंप यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला है, क्या रियल रीजन है इसके पीछे या फिर सिर्फ एक मैनिपुलेशन है, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही बात करेंगे क्या 2023 के अंदर ये पंप कंटिन्यू करके इसको 2x 3x का रिटर्न बना के दे सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही बिटकॉइन का अपडेट भी आपको वीडियो के लास्ट में यहाँ पे मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों की कंफ्यूजन रहती है इन दोनों को लेकर, टेरा क्लासिक यानी कि LUNC और टेरा लूना को लेके, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, फिर हम समझेंगे रीजन कि क्यों बेसिकली इसके अंदर पंप देखने को यहाँ पे मिला है। तो इन दोनों के अंदर जो कंफ्यूजन थी वो ये रहती है लोगों की कि कौन सा वाला पुराना है कौन सा नया है। तो LUNC जिसका नाम LUNC है और पूरा नाम टेरा क्लासिक है, या फिर इसको लोग लूना क्लासिक भी बोलते हैं, और इसका लोगो ये है, ये हमारा पुराना वाला लोगो, पुराना वाला लूना है जो बेसिकली क्रैश करा था डीपैक होने की वजह से, एंड जिसकी वजह से ये सारी कहानी लूना की हमें देखने को मिली थी। और इसका प्राइस आप देख सकते हो 0.00 करके यहाँ पे इस टाइम पे चल रहा है। और नया वाला लूना जो आया था जो कि एयरड्रॉप में मिला था उन लोगों को जिन लोगों का लॉस हुआ था इस पुराने वाले लूना की वजह से, और जो लोग इसको होल्ड करते थे उन लोगों को मिला था ये नया वाला लूना एयरड्रॉप में। और नया वाले लूना का प्राइस जो है $1.46 यहाँ पे चल रहा है, और बेसिकली इसका जो नाम है वो टेरा है, और इसका जो लोग आपको दिखेगा ये एक्सचेंजेस के ऊपर वो आपको लूना नाम से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लोग आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन अब मत रखना इन दोनों के अंदर, पुराना वाला लूना ये है और नया वाला जो एयरड्रॉप में मिला था वो ये वाला है। अब जानते हैं कि बेसिकली हमें ये पंप यहाँ पे क्यों देखने को मिल रहा है। तो आपको याद होगा रिसेंटली यहाँ पे बर्निंग की न्यूज निकल के आ रही थी, जो बाइनेंस ने बर्निंग स्टार्ट करी थी बेसिकली लूना को लेके यहाँ पे, उसके बाद काफी पंप उस टाइम पे भी हमें इसके अंदर देखने को मिला था। अब बेसिकली होता क्या, उसके बाद इसके जो मार्केट थी यहाँ पे क्रैश कर दी थी, आपको पता होगा बिटकॉइन क्रैश कर रहा था, तो लूना वहाँ पे काफी ज्यादा शांत हो जाता है। तो यहाँ पे टेरा लूना की जो कम्युनिटी है, जो टेरा क्लासिक की बेसिकली कम्युनिटी है, वो यहाँ पे एक क्रूशियल प्रपोजल लेके आती है। प्रपोजल क्या होता है, वो जो पुराना टाइम था जब वहां पे बर्न कर रहा था बाइनेंस लूना को, तो वहां पे टैक्स वो एक काट रहा था, तो उस प्रपोजल को चेंज करते हुए उसके यहाँ पे रिपील प्रपोजल में, प्रपोजल का नाम है, नया वाला जो प्रपोजल है वो है 11 करके यहाँ पे नाम है उसका, पुराना वाला जो था वो 10983 करके उसका नाम था। तो उसके रिपील प्रपोजल में मतलब उसको चेंज करते हुए नए प्रपोजल के हिसाब से वो लेके आती है 11 वाला, और इस प्रपोजल को ज्यादातर लोग वोट करके बोल देते हैं कि आप इस प्रपोजल को यहाँ पे अप्लाई करो लेके आओ। अब इस प्रपोजल के अंदर ऐसा क्या था जो ये पंप हमें देखने को मिल गया, तो कुछ खास ऐसा मुझे पर्सनली देखने को नहीं मिला। ये जो न्यूज की वजह से पंप आ रहा है, जो आ रहा है बेसिकली इस प्रपोजल के अंदर, सिर्फ इतना सा यहाँ पे चेंज था, एक तो यहाँ पे जो टैक्स था उसको यहाँ पे कम कर दिया गया। जब बर्न करते थे बैलेंस की तरफ से जो बर्न होता था लूना को लेके, तो टैक्स जो लगता था 1.2 था उसको 0.2 यहाँ पे कर दिया गया, जिसके बाद लोगों का मानना है कि वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ी काफी ज्यादा लूना क्लासिक के अंदर। एंड ये जो नया वाला प्रपोजल आया टेरा क्लासिक की तरफ से जिसका नाम है 1111 नाम है, उसके अंदर एक चीज यहाँ पे और बोली गई है कि यहाँ पे जो कम्युनिटी पूल के अंदर जो डालते थे बेसिकली फंड को, उसको भी यहाँ पे इंक्रीज किया जाए 50% तक। तो ऑल ओवर अगर आप इन सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ोगे तो एक्चुअल में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती है प्राइस के ऊपर, जितना यहाँ पे न्यूज की वजह से मेरे हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ अभी बाइनेंस का भी यहाँ पे कोई ट्वीट इसके बारे में लेके यहाँ पे नहीं आया, अगर बाइनेंस को कोई अपडेट देता है या फिर इसको रीट्वीट करता है तो डेफिनेटली और लूना कॉइन के अंदर हमें यहाँ पे पंप देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा कि ऑल ओवर हमें एक सडन यहाँ पे डंप भी देखने को मिलेगा जिस हिसाब से ये पंप आ रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी स्टॉक कोई भी प्राइस अगर सीधे यहाँ पे इस तरीके से पंप करता है तो उसको कभी बाय नहीं करना चाहिए, वहां पर लॉस होने के चांसेस 99% रहते हैं। कभी भी कोई भी प्राइस अगर इस तरीके से चल रहा होता है तो हमें सिर्फ नीचे वाले पॉइंट्स के ऊपर नजर रखते हुए यहाँ पे बाय करना चाहिए, ना कि सीधा कोई जा रहा है तो उसको यहाँ पे बाय कर लिया, जल्दी रेंज में घुसोगे तो हमेशा वहां पे गिरने का डर रहेगा। उसके अलावा अगर हम टेक्निकली लेवल्स को देखें तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पे बेसिकली टेरा क्लासिक को लेके। एक लेवल हमारा रहेगा 0.001838 का, जो कि काफी हैवी रेजिस्टेंस रहा है प्रीवियस टाइम में, यहाँ से चांसेस रहेंगे कि प्राइस करेक्शन लेना स्टार्ट करें और यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है, कोई ऐसे पैटर्न बनता है जो कि यहाँ पे बियरिश होता है, तो हम यहाँ से शॉर्ट भी जा सकते हैं। अदरवाइज मैं पर्सनली बोलूंगा कितना ज्यादा इसके अंदर पंप आया है लार्ज वॉल्यूम के साथ, तो शॉर्ट जाना या फिर लॉन्ग करना काफी ज्यादा रिस्की इस टाइम पे हो सकता है, तो बिना स्टॉप लॉस के तो करना ही मत, और मेरे हिसाब से तो करना ही मत, ज्यादा बेटर रहेगा, सिर्फ स्पॉट बाय के लिए ज्यादा बेटर रहता है अगर किसी कॉइन के अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम के साथ पंप आपको देखने को मिल रहा है तो। उसके अलावा अगर आप वनर चार्ट भी यहाँ पे देखोगे तो वनर चार्ट में काफी जो रेजिस्टेंस है मेजर वो यहाँ पे लूना क्लासिक ने तोड़े हैं, बट अगर आप बात करोगे लूना की तो लूना उतना ज्यादा अभी पंप नहीं करा है, तो लूना को एक बार को हम देख भी सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको बाय करना है तो लूना एक ज्यादा बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से रहेगा। अगर लूना इस लेवल के ऊपर
यहाँ पे बेसिकली 4 आवर कैंडल बना रहता है 1.4836 के ऊपर, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड में लूना के अंदर और देखने को मिल सकता है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि कोई स्टॉक कोई कॉइन अगर इतना ज़्यादा पम्प कर दिया है तो उसके अंदर एंट्री करके क्यों ही फंसना, वहाँ से बेटर रहता है कि अभी आप अगर प्रॉफिट में हो तो अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लो बजाय यहाँ पे बाय करने के। बाकी टेरा लूना या फिर टेरा क्लासिक दोनों अपडेट्स तो लगातार दे रहे हैं, बट एक जो लोगों का ट्रस्ट होता था जो पुराने लोग थे क्रिप्टो मार्केट के अंदर उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे चला गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसका $1 जाना टेरा क्लासिक का लूना क्लासिक का थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा 2023 के अंदर। आने वाले कुछ सालों के अंदर शायद जाता हुआ दिख जाए, बट इस साल के अंदर जाना डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तक वही लोग मार्केट के अंदर टिके हुए जो पिछले साल भी यहाँ पे थे। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, तो नॉर्मल सा जो एक रेंज मूवमेंट हमने एक्सपेक्ट करा था अभी उसी रेंज के अंदर प्राइस घूमता हुआ मैं देख रहा है, एंड ये रेंज जिधर भी टूटेगी जिधर भी ब्रेक करेगी उस साइड एक अच्छा खासा मूवमेंटम आने की यहाँ पे चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऊपर ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे अच्छा मूवमेंट और लॉन्ग टर्म मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वैसे ही सेम हमें डाउन साइड भी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा काफी लोग पूछते रहते हैं एंड पुश प्रोटोकॉल के बारे में, क्योंकि हमने पुश प्रोटोकॉल से काफी अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं, तो आप देख सकते हो पुश प्रोटोकॉल के बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ काफी बार इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका हूं किस तरीके से वेब 3 के अंदर आने वाले टाइम में इसका यूज केस बढ़ता हुआ दिखने वाला है, जहां सब ट्रस्ट वॉलेट का डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का यूज करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, तो वहीं एक नोटिफिकेशन की सर्विस की जरूरत भी सबको पड़ती है एंड वहीं वहां पर पुश प्रोटोकॉल आ जाता है। पुश प्रोटोकॉल लेकर लेके कल मैंने आपको अपडेट दी थी परसों यहां कहीं पर बाइंग बताई थी एंड देख सकते हो अभी भी यहां पे पंप है, तो अगर आप पुश प्रोटोकॉल के अंदर इंटरेस्टेड हो तो उसको बाय कर सकते हो। इस तरीके आपको 6% 5% प्रॉफिट अच्छे खासे मिलते रहते हैं, स्पेशली इस लेवल पे जो मैंने आपको यहां पे मार्क करके दे रखा है 0.2466 का, इसके जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस यहां पे जरूर होना चाहिए जब आप उसको यहां पे बाय कर रहे हो। तो आज के लिए ऑल ओवर यही अपडेट था जहां पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी सारी चीजें क्लियर कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए।